आपका स्वागत है। मैं यहाँ इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक भगतपुर टाडा के रानी नगर गांव में। यहाँ प्रधान द्वारा काफ़ी विकास कार्य करवाए जा चुके हैं, लेकिन कुछ समस्याएं फिर भी अभी सामने आती हैं। आगे की सारी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर आपको बताएंगे, तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 में आपका स्वागत है। हम यहाँ आपसे जानना चाहते हैं कि क्या क्या विकास कार्य यहाँ अब तक 4 साल आपके कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य अपने गाँव में अब तक दिए हैं? हमने इंदिरा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 22 लाभार्थियों को आवास दिलवा चुके हैं और लगभग 80-85 वृद्धावस्था पेंशन करा चुके हैं। और इसके अलावा एक गाँव में क्या नाम हाई स्कूल बनवा चुके हैं, तो 2.25 करोड़ रुपये हाई स्कूल आपने अपने कार्यकाल में बनवाया है। जी। और करीब ग्राम निधि से हमने 1000 मीटर सड़कें ग्राम निधि से लगभग बनवा चुके हैं। सीसी का 1000 मीटर सीसी टाइल्स। और मनरेगा से लगभग 700-800 मीटर मनरेगा योजना से सीसी टाइल्स लगवा चुके हैं। और उसके अलावा स्कूल में हमने कार्य कराया है, स्कूल में इंटरलॉकिंग कराई है, टाइल्स लगवाई है, सौंदर्यीकरण करवाया है, तालाबों का सौंदर्यीकरण हमने करवाया है। और बाकी और कुछ काम जो यहाँ पर आपकी ग्राम पंचायत ODF हो गई पूरी तरह से ODF हो गई। ODF तो हमने तो सबसे पहले ही करी थी, क्योंकि हमें अवार्ड भी दिया था DM साहब ने। ये अब तो पूरा हमारा भारत जो ODF हो चुका है, हमने तो अब से 1 साल पहले ही ODF कर दिया। काफ़ी विकास आपने यहाँ गांव में करवाया है। इसके अलावा यहाँ पर जो सरकार की योजनाएं चलती हैं, जैसे कि उज्ज्वला कनेक्शन है, बिजली कनेक्शन है, क्या इन योजनाओं का लाभ आपके गांव में सभी को मिल पाया है? सारे गांव के लोगों को हमारे सौभाग्य योजना के अंतर्गत क्या नाम सभी लोगों को लाभ मिला है इसमें, और सभी लोगों ने कनेक्शन अपने करा चुके हैं। और हम जो बाकी हैं उनकी भी प्रयास करते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल से लगभग 90% लोगों को कनेक्शन मिल चुके हैं यहाँ पर। यहाँ सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा क्या बारात घर है? नहीं, बारात घर नहीं है, पंचायत घर है। पंचायत घर भी नहीं है इस जगह। आंगनवाड़ी केंद्र? आंगनवाड़ी केंद्र 4 है। यहाँ शमशान घाट, कब्रिस्तान वगैरह सब तैयार है, बॉडी वगैरह हो रखी है। शमशान घाट में हम अभी क्या नाम उसका कार्य कराने के लिए जा रहे हैं, और मंदिर पे भी हम अभी क्या नाम इंटरलॉकिंग कराने के लिए जा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड ये सब बने हैं आपके गांव में? हाँ, आयुष्मान कार्ड भी मेरे गांव में करीब लगभग 100+ आयुष्मान कार्ड है, और राशन कार्ड भी। किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है? जो सम्मान निधि का पैसा किसानों के खाते में आना है, क्या वो यहाँ गांव में आ रहा है सबको? जी हाँ, किसानों का जो कुछ लगभग 2-4 लोग बाकी रह गए हैं, बाकी सभी लोगों को नाम किसानों को पैसा मिला है। हमारे गाँव रानी नगर से भोजपुर को एक लिंक रोड जाता है, जो भोजपुर से बारूमोड़ा की नहर तक तो पक्का बना हुआ है। 1 किलोमीटर रास्ता कच्चा है। जो हमारी जो मेन समस्या है वो है, बाकी जो गांव का हमारे कार्य है आप पूरे गांव में जाकर के देख लीजिए। वो रोड जो आप बता रहे हैं वो PWD में आता है वो रोड, और यहां तो बुनकर लोग हैं। भोजपुर में असल में सभी वहां से कपड़े का व्यापार करते हैं, वो जो धागा लाते हैं, तो खास करके बरसात के मौसम में उन्हें बहुत बड़ी समस्या। इसके अलावा यहाँ आप गांव में बारात घर, पंचायत घर भी बनवाने के निर्माण कराने की मांग करना चाहेंगे? ये हमारी इच्छा है कि गांव में बारात घर जरूर बन जाए। पंचायत घर के लिए तो हमारे विद्यालय 2-3 हम पंचायत दोनों में कर लेते हैं, मगर बारात घर की बहुत बड़ी समस्या परेशानी। बारात घर की आवश्यकता। कोई और समस्या आपके गाँव में प्रमुख समस्या? सबसे बड़ी प्रमुख समस्या हमारे लिए ये रोड की है। इसके अलावा बाकी जो छोटी मोटी समस्याएँ हैं उन्हें हम खुद अपने स्वयं तरीके से ध्यान रखते हैं, और गाँव में ऐसी कोई समस्या केवल एक ही रास्ता रह गया ना पूरे गांव के अंदर, सब में इंटरलॉकिंग होगी, एक रास्ता भी आपको गांव में कच्चा नहीं मिलेगा। जैसा कि आपने देखा प्रधान जी से हमने यहां बातचीत की है, काफ़ी विकास यहां इस गांव में करवाया गया है, जैसे कि सीसी टाइल्स कार्य वगैरह, स्कूल पर भी सौंदर्यकरण कराया है, यहां लोगों को पेंशन सरकार की योजनाओं का सभी लाभ इनके द्वारा यहाँ दिया गया है। इसके अलावा शौचालय से भी ये गाँव पूरी तरह से ODF हो गया है, आवास भी यहाँ लोगों को मिले हैं। यहाँ जो प्रमुख समस्या सामने आई है, प्रधान जी का कहना है कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ एक रोड की है, लिंक रोड, जो कि रानी नागर से भोजपुर तक जुड़ता है, जो PWD विभाग में आता है, और उसे उसके निर्माण के लिए यहाँ मांग करना चाहते हैं। इस गांव में पंचायत घर और बारात घर को लेकर भी इनकी प्रमुख मांग है। अशरफ अली के साथ मैं नाजरी।